प्रोफेसर विवेक कुमार हमेशा यूथ के अंदर इंजेक्शन लगाने का काम करते हुए आए हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। आज बहुजन समाज को 85% बोला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एकजुट नहीं है, उसका क्या विशेष कारण है? देखिए, जैसे आपने देखा यूथ का ये जो ये एक प्लेटफॉर्म है जो यूथ का है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने युवाओं को समेटने में अभी पहल नहीं शुरू करी है। युवा जो हमारा है, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में जो 65% पॉपुलेशन होगी आने वाले समय में, वो यूथ की पॉपुलेशन होगी। तो अगर 65% वहाँ पर है तो SC ST OBC का भी युवा होगा। लेकिन आप आंदोलनों में देखें, तो सामाजिक आंदोलन में देखें, राजनीतिक आंदोलन में देखें, तो इन युवाओं की भागीदारी और सक्रियता उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार होनी चाहिए। अगर यूथ आपके पास नहीं आएगा तो वो ऊर्जा का संचार नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो अगर एकता या समन्वय लाना है भारत दलित आंदोलन में, बहुजन आंदोलन में, तो मुझे लगता है युवाओं की सक्रिय भूमिका होना बहुत आवश्यक है, और उससे अपने आप लोग जुड़ाव महसूस करेंगे, लोग एकता का नारा दे करके आगे बढ़ेंगे और नई ऊर्जा का संचार होगा। जी प्रोफेसर साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आज जो बहुजन समाज है, जिसे या बहुजन मूवमेंट कहा जाता है, उसको एकजुट करने के लिए क्या कार्य करने पड़ेंगे और लोगों में क्या अपने अंदर परिवर्तन लाने चाहिए वो भी बताएं। देखिए, मान्यवर साफ साफ कहा करते थे, जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती है उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हमें अपने गैर राजनीतिक जड़ों को पुनः खंगालना पड़ेगा, हमें अपनी विचारधारा पर पुनः काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि इस समय जो आंदोलन, जो चीज़ें हमारे आंदोलन का प्रोडक्ट थी, जैसे कि आपने देखा होगा SC ST Act हमारी आंदोलन का प्रोडक्ट था, या रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन हमारे आंदोलन का प्रोडक्ट था, तो ये जो हमारे आंदोलन के जो प्रोडक्ट हैं उनको लोग आंदोलन बनाए दे रहे हैं, ये तो काम नहीं चलेगा। अगर हमारा आंदोलन मजबूत होगा, अगर हमारा आंदोलन बड़ा होगा, तो हम SC ST Act को अपने आप लागू करा लेंगे, हम प्रमोशन में रिजर्वेशन अपने आप ले लेंगे, हम जिसे कहना चाहिए चौकियों पर इंचार्ज बना लेंगे, और हम अपने ऊपर अन्याय अत्याचार को भी रोक सकते हैं। तो अगर सचमुच बहुजन आंदोलन में, बहुजन समाज में एकता का संचार करना है, तो हमको अपनी जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा, और गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का मेरा मंतव्य यह है कि हम अपने नायकों, नायिकाओं, उनके संघर्षों को देखें। हम उनके संघर्षों को बड़ा छोटा करके देखते हैं। हर आदमी ये सोचता है कि वो पहली बार रेवोल्यूशन करने जा रहा है, जबकि हमारा इतिहास है, बुद्ध से शुरू करके अगर हम रविदास से होते हुए, ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु से होते हुए बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम तक आए, तो 167 साल की पुरानी परंपरा है, और उस हम परंपरा पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं। हम लगता है कि मैं आज ही रेवोल्यूशन करने आया हूं और मेरे बाद रेवोल्यूशन नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही सोच है। लोगों को अपने इतिहास पर, अपने संघर्ष पर, अपने महापुरुषों के संघर्ष को पुनः खंगाल करके देखना पड़ेगा कि उनका अर्जन क्या है। अगर वो उस पर गर्व करेंगे तो मुझे लगता है एकता अपने आप हो जाएगी। विचारधारा की अगर कमी होगी तो व्यक्तिवाद बढ़ेगा, और व्यक्तिवाद बढ़ेगा तो विलगाव बढ़ेगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति की टांग खींच सकता है, विचारधारा की टांग नहीं सीख सकता। तो मुझे लगता है विचारधारा को मजबूत करना पड़ेगा अगर हमको अपने अंबेडकरवाद को जीवित रखना है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।